बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं काइन मास्टर से वीडियो हम लोग किस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर काइन मास्टर वीडियो एडिटर को इंस्टॉल करना होगा। बहुत ही आसान मेथड है, जैसे आप दूसरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से आप काइन मास्टर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो काइन मास्टर जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरह से आपके पास काइन मास्टर आ जाएगा। काइन मास्टर को क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा पूरा। तो आपने क्या करना है, ये जो प्लस का निशान नज़र आ रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। ये हमने क्लिक किया तो ये पूछेगा सिलेक्ट द एस्पेक्ट रेशो ऑफ द प्रोजेक्ट, आपको किस रेशो में आपकी वीडियो चाहिए, जो उनसा भी आपको अच्छा लगे। तो मैं करता हूँ 6.9 वाला, ये वाला इसमें हमारे को। अब ये पूछ रहा कौन सी आपको जो है वीडियो आप पर आप एडिट करना चाहते हैं, तो मैं ये वाली वीडियो उठा लेता हूँ। इसको एक बार और क्लिक करके आपको यहाँ पर लेकर आना होगा, उसके बाद यहाँ से लाएंगे स्टार्ट में ले आते हैं यहाँ। ये हमारा स्टार्ट पॉइंट आ गया। अब हम इस पर वीडियो एडिटिंग करना शुरू करते हैं। जो मार्क का निशान नज़र आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारी वीडियो एडिटिंग के लिए तैयार हो जाएगी। आप अब हमने क्या करना है यहाँ से देखना। आज मैंने आपको तीन चीज़ें सिखानी है वीडियो के अंदर, के वीडियो में जब आप एडिट करेंगे तो सबसे पहले हमारे को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसा हमारे साथ मसला हो जाता है, मिसाल के तौर पर कोई चीज़ हमें कट करनी होती है, कोई हम गलत अल्फाज बोल देते हैं जिसके हमें एडिटिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे, पहले अपनी वीडियो पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से दो तीन आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, कि क्रॉप का, ट्रिम एंड स्प्लिट का नज़र आ रहा है, एक ये आ रहा है पैन एंड जूम का, और एक आ रहा है वॉल्यूम वाला। इन तीन के बारे में मैं आपको आज बताता हूँ इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो हम सबसे पहले जाते हैं, पहले इसको थोड़ा सा स्प्लिट करना सीखते हैं। हम छोटे से हिस्से पर हम अपनी वीडियो को एडिट करेंगे। ये देखें ये हम गए इस पर सबसे पहले ऑप्शन पे गए। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, मतलब जितना भी लेफ्ट पे होगा ये उसको सारे को, जो ये रेड निशान नज़र आ रहा है इसके जो लेफ़्ट पर होगा सारा वो ट्रिम कर देगा। अगर करके देखते हैं, ये देखें ये ट्रिम कर दिया इसने लेफ़्ट वाला। उसके बाद ये आपको दे रहा है ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, अगर हम इसको करेंगे तो ये जितना भी राइट पे जितना एरिया होगा वो सारा ये ट्रिम कर देगा, मतलब उसको रिमूव कर देगा। चाल के तौर पर हम ये वाला रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ से रिमूव कर देगा ये ट्रिम टू राइट प्ले हेड। अब ये आपका एरिया बच गया सिर्फ। अब हम चाहते हैं इसके सेंटर में से कोई चीज़ हम रिमूव करें, जो हमने कोई गलत बात बोली है या उसको हम रिमूव करना चाहते हैं, तो उसको हम यहाँ से स्प्लिट एट प्ले हेड से करेंगे। ये देखें इसने यहाँ से मार्क कर दिया, इसको जितना हम मार्क डिलीट करना चाहते हैं उसको वहाँ पर लाकर फिर दोबारा से हम स्प्लिट एड प्ले हेड पर क्लिक करेंगे। अब हम चाहे तो इस वाले एरिया को सिलेक्ट करके हम डिलीट भी कर सकते हैं, ये जो साइड पर ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन है पैन एंड जूम का। ये जो आपको स्टार्ट पे पोजीशन नज़र आ रही है रेड लाइन जो नज़र आ रही है आपने ऊपर वाले पे रखनी है, आपको जितना मतलब कौन सा भी एरिया दिखाना है उसको वहाँ से आपने बिल्कुल जूम इन करके, मतलब ये मैं एरिया यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ छोटा करके स्टार्ट में ये ऐसा, और उसके बाद मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। मेरे को उर्दू और हिंदी में कोई भी वीडियोस नहीं मिली, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर। हमारा पूरा एरिया जो है इसने जूम इन कर दिया, क्योंकि मैंने इसको कोई एक एरिया दिया नहीं था। अच्छा, ये देखें मिसाल के तौर पे ऊपर वाली आप जो स्क्रीन है उसको आप देखें, स्टार्ट पोजीशन वाले को आप जो सा भी एरिया आप दिखाना चाहते हैं ना जूम इन करके उस एरिया को आप यहाँ पे ले आएँ
उसके बाद आप यहाँ से इसको मार्क करें और प्ले कर दें, रिमूव कर सकते हैं। तो ये मैंने बहुत ही मुश्किल से तरीका निकाला कि मैंने खुद भी उलझ गया था कि किस तरह से ऑर्डर है। तो मेरे को उर्दू और हिंदी में कोई भी वीडियोस नहीं मिली, तो इस तरह से जूम इन जूम आउट होगी। अब हम चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ, ये जो आपको लास्ट में नज़र आ रहा है वॉल्यूम वाला, इसके ऊपर चलते हैं। एक मिनट, पहले हम इसका छोटा सा हिस्सा सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि सारी वीडियो हमारी ख़राब ना हो। इस पर हमारे इधर हमने इसको मार्क कर लिया इस एरिया को, इधर आए वॉल्यूम वाले पे। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मेरी आवाज़ बहुत हल्की आई है जैसे वीडियो में, तो मैं उसको बढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ से हम बढ़ाएंगे। तो ये है, और ये हम इसको मार्क कर देंगे। बाकी भी मैं आपको और चीज़ें बताऊँगा, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा करके ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आज इस पार्ट में, पार्ट वन में, मैंने आपको इन तीन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है। इंशाल्लाह डिटेल में समझाऊंगा अगली वीडियो में, और जो आपको समझ में ना आए वो पूछ भी सकते हैं। क्या देखें, देखें अच्छा, अगर आपसे कहीं कोई गलती हो जाती है, मिसाल के तौर पर आप कोई चीज़ गलत से कोई कार्ड देते हैं, ये देखें मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। पहले हम इसको यहाँ से करते हैं स्प्लिट, इसको यहाँ पे हम करते हैं स्प्लिट, सही है। अभी इस एरिए को हम चाहते हैं कि दोबारा से हम उनसे कोई गलती हो, हम इसको स्प्लिट नहीं करना चाहते थे, तो अब हम इसको यहाँ से यूँ करेंगे एक दफ़ा, और ये देखें वो दोबारा से वही चीज़ वापसी आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल माई ग्राफिक्स को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए सबक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।